अस्सलाम वालेकुम मेरे YouTube व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज एक नए वीडियो के साथ आई हूँ, तो आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ। कुछ ड्रेसेस हैं जो मैं आज आपके साथ नए डिज़ाइन शेयर करूँगी, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये मेरा पहला ड्रेस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये जे डॉट का फेस्टिव कलेक्शन है, 22 की लेटेस्ट कलेक्शन है इसकी। इस पर ये फॉइल प्रिंटेड है, ये कलर भी बहुत प्यारा है, लाइट सा इसका। तो ये एक शर्ट पीस था, इसका मैंने प्रॉपर अंदरखा नहीं बनाया, लेकिन कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे मैंने इसको सिर्फ अंदरखा शेप दी है। और ये देखिए, इसको राउंड नेक जैसे एज इट इज़ अंदरखे का होता है, ये मैंने डबल लेस लगाई है। ये छोटी छोटी थी बारीक लेस, तो मैंने इसको डबल लगाया ताकि थोड़ा सा चौड़ाई में थोड़ी सी बड़ा लुक दे। और ये इसके ऊपर मैंने एक टसल लगा दी है बस, ये यहाँ पर। और नीचे से इसका प्रिंट देखिए, ये इस तरह बना हुआ है, ये इसका प्रिंट है। यहाँ मैंने इस स्लिट को थोड़ा सा अंदर तो किया है, लेकिन प्रॉपर अंदरखे वाला नहीं है, सिर्फ अंदरखा शेप है, अंदरखा लुक आ रही है शर्ट में। कपड़ा कम होने की वजह से आप इसको इस तरह भी बना सकते हैं, अगर आपके पास थोड़ा उतना ज़्यादा शर्ट पीस नहीं है चौड़ाई में, तो आप इसको इस तरह भी बना सकते हैं। इसके स्लिट्स पे मैंने ये बारीक छोटी छोटी लेस लगाई है, ये देखिए इस तरह, इसके सिर्फ ट्रायंगल से ये बाहर आ रहे हैं। दोनों साइड स्लिट्स पे मैंने ये लेस लगाई है, ये ऊपर से इसका लुक है। और बैक साइड मैं इसकी दिखाती हूँ आपको, कपड़े की अपनी बहुत खूबसूरती है। बैक साइड मैंने कोई इतना ज़्यादा इस पर नहीं किया, बस वही स्लिट्स पे काम हुआ हुआ है, पाइपिंग हुई भी है। और इसका जो बॉर्डर है वो बैक साइड पे ये इस तरह बना हुआ है, ये बॉर्डर इसका बना हुआ है। और स्लीव्स पे मैंने इसके ये जो लेस मैंने इसके यूज़ की है शर्ट में, वही लेस मैंने इसके स्लीव्स पे भी यूज़ की है, दो स्टेप्स में की है। ये जो फ्रंट पे लेस लगी हुई है, मैंने इसके दुपट्टे पे यूज़ की है। और ये लेस इस तरह सिंगल सिंगल थी, तो मैंने अंदरखे वाली साइड पे कुर्ती में इसको मैंने डबल लगाया है, और स्लीव्स में मैंने इसको सिंगल करके लगाया है। ये इस तरह, ये जरी लेस आजकल बहुत फैशन में भी है और कपड़ों को बहुत प्यारी लगती है। ये इसकी लुक है। इसके साथ मैंने प्लेन ट्राउज़र स्टिच किए, स्लिम फिट प्लेन ट्राउज़र स्टिच किया है मैंने इसके साथ। ये ऊपर से इलास्टिक है और ये तंग पांचे के साथ है, 6 इंचेस इसका पांचा है। ये इसका दुपट्टा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, दुपट्टा मैं आपको इसका दिखाती हूँ। इस तरह इसके दुपट्टे का प्रिंट है, इस पर भी फॉइल प्रिंटेड है। ये देखिए, इस पर मैंने ये इस तरह ये लेस लगाई है ऊपर से रख के, ये। और ये इस दुपट्टे का प्रिंट है, ये देखिए। साइड्स पे इसके अच्छा बॉर्डर बना हुआ है, और सेंटर में ये छोटे छोटे फूल बने हुए हैं इसके ऊपर। अच्छा बड़ा इसका दुपट्टा है। ये शर्ट की एक लुक है, आप इसको देखिए। ये आपसे रिक्वेस्ट होती है कि अगर वीडियो आपको पसंद आती है या डिज़ाइन पसंद आते हैं या आपको इससे कोई हेल्प मिलती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें और शेयर किया करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। ये नेक्स्ट डिज़ाइन है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ये देखिए। ये इस तरह है, ये सेल्टेक्स ब्रांड का है। तो ये इसका ऊपर से ये नेक पे एम्ब्रॉयडरी पट्टी बनी हुई है, तो मैंने इसका हाई नेक बैंड बनाया नहीं है, मैंने इसकी जगह इस तरह इसका नेक बनाया है। ये एक स्केयर्स है, इसमें ब्लॉक बना के ऊपर से ये राउंड है। ये इसकी एम्ब्रॉयडरी पट्टी इसी तरह है, और नीचे ये इसके एक एम्ब्रॉयडरी बंच बना हुआ है, और ये साइड्स पे इसकी छोटी छोटी एम्ब्रॉयडरी भी है। यहाँ तक इसका दामन था, एम्ब्रॉयडरी पे एंड होगा। तो ये जो मैंने आगे इसमें फिर एक बॉर्डर यूज़ किया है, इसी के साइड पे एक बॉर्डर दिया हुआ था, वो बॉर्डर मैंने यहाँ अटैच करके इसके दामन पे इस तरह ये प्लीट्स डाली हैं, थोड़ी बड़ी करके ये मैंने इसके दामन पे प्लीट्स डाली हैं, ताकि थोड़ा सा दामन की डिज़ाइनिंग हो जाए। ये देखिए इस तरह, लेस के एम्ब्रॉयडरी के बाद मैंने इसमें बॉर्डर लगा के नीचे प्लीट्स डाली हैं। स्लिट्स इसके प्लेन है। बैक साइड में इसको दिखाती हूँ आपको, बैक साइड फुली प्रिंटेड है। ये ऊपर से योग स्टाइल में इसका प्रिंट बना हुआ है, और नीचे से ये इस तरह इसका प्रिंट है। ये दामन पे भी इसके इसी तरह प्रिंट है। स्लीव्स में भी मैंने इसके वैसे ही डिज़ाइनिंग की है जैसे मैंने इसके दामन पे बनाई है। प्रिंटेड स्लीव्स थे, तो उसके भी आगे बॉर्डर करके मैंने ये आगे प्लीट्स लगाई हैं, ये इस तरह। ये इस शर्ट की लुक है, कलर ऑरेंज कलर है, बहुत प्यारा है। ये देखिए, ये इस तरह इसके लुक है। इसके साथ मैंने ट्राउजर स्टिच किया है, स्लिम फिट किया है, और उसको मैंने कैसे डिज़ाइन किया है कि थोड़ा सा जो इसके साइड से बॉर्डर में से कपड़ा बचा था शर्ट के साइड से, एक तो ये बॉर्डर पट्टी है और ये शर्ट के साइड से कपड़ा बचा था, तो मैंने उस कपड़े को यहाँ इस तरह ये पट्टी की शक्ल में निकाल के
मैंने ये इस तरह ऊपर नीचे ये शर्ट के साथ का लगाया कपड़ा, और जो सेंटर में मैंने इसके बॉर्डर पट्टी लगा दी, ये देखिए ये इस तरह। नेक्स्ट डिज़ाइन है शॉकिंग पिंक कलर का, ये देखिए ये बनेंजा सतरंगी का है। इसके गले में पैच था तो ये इस तरह वाला, ये स्ट्रेट पैच था एम्ब्रॉयडर्ड का और गेंजा पे बना हुआ नेक लाइन पे, तो मैंने उसको नेक लाइन पे नहीं करवाया, मैंने नेक लाइन इसका इस तरह बनाया साइड से बॉर्डर लेके, और ये इसके दुपट्टे में से कंट्रास्ट करके ये ऑरेंज कलर की मैंने लैस लगाई है, बाहर वाली साइड पे लगाई है, और ये बीच में सेंटर पे मैंने तीन ब्रोचेस लगा दिए। ऊपर से वी नेक बनाया मैंने, नेक में वो पैच यूज़ नहीं किया, और ये बाकी नीचे से शर्ट प्लेन है, इसका जो बॉर्डर थोड़ा बाकी बच गया था, ये बॉर्डर का हाफ पोर्शन जो है ये वाला सिर्फ मैंने गले में इस्तेमाल किया, और ये पूरा बॉर्डर बाकी मैंने इधर लगा दिया दामन पे, और उसके नीचे एंड पे जो है ना ये एजिंग पे मैंने लेस लगा दी ऑरेंज कलर के इसके दुपट्टे के साथ मैच करके। तो इसकी बैक साइड मैं आपको दिखाती हूँ, बैक साइड से भी ये ऐसे ही सेम प्रिंट है जैसा ये फ्रंट का था, बैक साइड पे भी मैंने सिर्फ इसके लेस अटैच किए, बॉर्डर मैंने बैक साइड पे नहीं अटैच किया। और इसके स्लीव्स पे जो पैच गले का दिया हुआ था, क्योंकि आजकल वो गले में इतने पैचेस नहीं चल रहे, गले में इस तरह के नेकलाइन चल रहे हैं, तो ये पैच मैंने स्लीव्स के आगे लगा दिए, ये पैच मैंने स्लीव्स के आगे लगा दिए, एम्ब्रॉयडरी लाइन हैं, और आगे मैंने पलटे के साथ इसके ये लेस लगा दिए ऑरेंज कलर की। ये इस शर्ट की लुक है, आपको जो डिज़ाइन पसंद आते हैं उनका आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ताकि आपको बाद में बनाने में आसानी होती है। और इसके साथ भी ये स्लिम फिट ट्राउज़र मैंने स्टिच किया है, इसके ऊपर मैंने ये इस तरह पिनटैक्स डाल दिए, दो दो करके मैंने ये पिनटैक्स डाल दिए इस पर, और बाकी ये प्लेन ट्राउज़र ऊपर से इलास्टिक के साथ। ये तो ये थे मेरे आज की वीडियो, आज के डिज़ाइंस, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर किया करें। Thank you for watching. Allah Hafiz.